सरकारी निर्माण में घटिया सामग्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। मामला डीएम के संज्ञान में पहुंचा तो जांच करवाने के बाद कार्रवाई की बात कही गई। दरअसल लंबुआ ब्लॉक के बरेहता हथोड़ा और भरखरी मठिया गाँव में एएनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। दोनों गांव के ठेके की जिम्मेदारी महेंद्र पर पाठक को मिली है, लेकिन निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों को ताक पर रख करके निर्माण करवाया जा रहा है, ये बात सामने आ रही है। तो देखिए, लगातार इस तरीके के मामले यहाँ से सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंद करके बैठे हुए, अभी तक कार्रवाई की कोई तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही है। डीएम के संज्ञान में पूरा मामला पहुंचा, जांच करवाने की बात अब कही जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी वहां के आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लंबुआ ब्लॉक के बरेहता हथोड़ा और भरखरी मठिया गांव बताए जा रहे हैं, यहां पर एएनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। दोनों गांव के ठेके की जिम्मेदारी महेंद्र पाठक को मिली है, लेकिन निर्माण कार्य पर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उन नियमों को ताक पर रख करके निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है। सरकारी बिल्डिंग और उसमें घटिया निर्माण सामग्री का आरोप, एक के बाद एक कई सारे आरोप लग रहे हैं। कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, एक ही ठेकेदार के पास दोनों गांव का टेंडर है और ठेकेदार पर नियमों को ताक पर रख करके निर्माण कार्य करवाने का आरोप ठेकेदार पर है। बरेहता हथोड़ा और भरखरी मठिया गांव में ये निर्माण काम चल रहे हैं। घटिया किस्म का निर्माण हो रहा है, इसका बीम 3 इंच से ज़्यादा नहीं है, नंबर 2 का काम चल रहा है इसमें। ट्रेन सेंटर बन रहा है, एक सी एम साहब आए भी थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया। पूरा घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है, 3.5 इंच की बीम डाली जा रही है, बीम में एक भी सरिया भी नहीं है, पीले ईंटे का प्रयोग हो रहा है। ये कितने दिन हॉस्पिटल चलेगी? घटिया सामग्री का सारा प्रयोग हो रहा है। ठेकेदार दबंग आदमी है, वो कहता मेरी पहुंच ऊपर तक है, जो करना हो कर लो, शिकायत कर लो, जहां तक करना हो यही बोलता है। इसमें पहली बार बहुत घटिया काम हुआ है, काम में साफ सफाई नहीं है, बीम बहुत हल्की पड़ी है, मटेरियल सही उपयोग नहीं हो रहा है। बीम सरिया वगैरह सरिये तो जर सना ही है कि सरिये खड़े हैं, आप सामने देख सकते हैं। परीक्षण अभी कराया जा रहा है और कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, हम लोग खुद भी निकलते हैं, जगह चेक करते हैं और इसको किसी वरिष्ठ अधिकारी से अभी परीक्षण करा करके, और यदि इसमें कोई अनियमितता होगी तो भुगतान काटने और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकारी बिल्डिंग में घटिया निर्माण सामग्री डालने का आरोप है, क्या है पूरी खबर आपको बताएं विस्तार से। सुल्तानपुर के बरेहता हथोड़ा और भरखरी मठिया गांव में घटिया निर्माण का आरोप लग रहा है ठेकेदार पर। एएनएम सेंटर का निर्माण होना है और निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप है शिकायतकर्ताओं का। घटिया ईंट यहाँ पर डाली जा रही है, मोरंग घटिया के बिना सरिया के एएनएम सेंटर निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। एएनएम सेंटर निर्माण के में जो नियम कायदों का ख्याल रखना चाहिए उनको अनदेखी की जा रही है, अनदेखी का आरोप है। दोनों गांव के लोगों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि दोनों गांव के लोग गुस्से में हैं ठेकेदार को लेकर। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। जब जिलाधिकारी को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, लेकिन इंतजार कीजिए, आगे कार्रवाई होगी इस बात की, वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं। एबीपी गंगा के सवाल क्या है, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के दीमक पर स्ट्राइक कब होगी? निर्माण कर रहे ठेकेदार पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों लेट लतीफी की जा रही है? लेट लतीफी हो रही है, लगातार सवालों के बाद भी क्यों चुप है प्रशासन? प्रशासन के मौन पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्यों एक्शन नहीं ले रहे? मामला संज्ञान में आने के बाद भी किस बात का इंतजार हो रहा है? डीएम कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई अभी हुई नहीं। घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर कब जागेगा यहाँ पर प्रशासन? एबीपी गंगा के ये बड़े और अहम सवाल। सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार का कीड़ा लगा हुआ है, जो दीमक लगा हुआ है, उस पर स्ट्राइक आखिर कब होगी? निर्माण कर रहे ठेकेदार पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बड़े सवाल है। और किस बात का इंतजार, जब डीएम ये कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आ चुका है, तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।